गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल आयंस एंड मॉम ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, अभी मॉर्निंग का टाइम है और लगभग मेरे सारे काम हो चुके हैं। सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आते हैं और अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले बेल आइकन के साथ, ताकि मैं जब भी अपना ब्लॉग डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड में, और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो अभी सुबह का जो टाइम था, तो मेरा लगभग ऑलमोस्ट मेरा सारा काम जो छोटा मोटा था सारा हो चुका है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ पहले यहाँ का मौसम कहा, जो बहुत ही प्यारा हो चुका है मौसम। तो चलिए फटाफट मैं दिखाती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैंने काम क्या क्या किया है घर में। देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा मौसम हो चुका है अभी, और बहुत मतलब ये ठंडी ठंडी हवा सुबह सुबह चल रही है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है अभी। रात से ही मौसम कुछ मतलब ठीक ठाक हो गया है। कहीं शायद चक्रवात आने वाला है, बस हो सकता है इसी कारण ठंडा मौसम कर चुका है। बारिश तो नहीं हुई है, बट मौसम जो बहुत खूबसूरत हो चुका है। और चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा काम कर लिया है। तो चलिए फटाफट मैं दिखा देती हूँ दोस्तों। मॉर्निंग का जो टाइम था, तो सारा काम, तो एक मिनट में लाइट जला दो समझेगा। यहाँ पे देखिए सारा काम हो चुका है। बेड वेड जितने भी होते हैं सारे सेट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने मॉर्निंग से उठी हूँ तो यही सुबह से काम ही कर रही हूँ। अभी लगभग 7 बज रहे हैं सुबह के, और मेरे लाट साहब सोए हुए हैं अभी तक, इसीलिए मैं फटाफट सारा काम कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ दूध गर्म हो चुका था, और यहाँ बाबू के लिए मैं बना रही हूँ, हो गया है, बना रही हूँ ओट्स मतलब दूध वाला। और यहाँ पे मेरी चाय भी हो रही है साथ साथ, क्योंकि मैंने तक चाय नहीं पी है। और यहाँ पे देखिए ठंडा ठंडा पानी, जो मुझे चाय के साथ, आप लोगों को पता है बिना पानी का मैं चाय नहीं पी सकती। मुझे सुबह सुबह ठंडा, मतलब कि गर्मी के मौसम में ठंडा पानी सुबह सुबह चाहिए, और ठंड के मौसम में सुबह सुबह थोड़ा सा गुनगुना पानी। तो आप ये सोचें ठंडा पानी कहाँ से आया, तो आप लोग सोचेंगे फ्रिज का पानी होगा। नहीं नहीं जी, फ्रिज का पानी नहीं है, मटके का भी नहीं है। ये है हमारे घर के मोटर का पानी, जो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही ठंडा निकलता है। दोस्तों, आपने देखा कि मैंने क्या क्या काम कर लिया। मैंने आपको सारा काम बता दिया है। मैं अब जा रही हूँ चाय छानने। मैंने चाय नहीं पिया है अभी तक, और मैं आज अकेले चाय पीऊंगी, क्योंकि आज कोई साथ में चाय पीने वाला नहीं है। बाबू के पापा ना कल से ही मतलब घर में नहीं है, गए हैं शादी में, मतलब गांव की ही शादी है, मेरी ननद ही लगेगी। मुझे भी जाना था, बट गर्मी थी और बाबू के कारण मैं नहीं जा सकी। तो चलिए मैं पहले फटाक से चाय पी बना लेती हूँ छान के, फिर पीते पीते आपसे बात करूँगी। तो जी, चाय तो बन चुका है, और सबसे पहले मेरा ठंडा पानी पहले मैं इसे पी लेती हूँ, तब फिर आपसे। और मैंने चाय पी ली, सॉरी मैंने पानी पी ली है, और मैं जा रही हूँ चाय पीने। तो दोस्तों, मैं भी चाय पीऊंगी, और बाबू के पापा, मैंने बताया कि ननद ही थी उस, मतलब ननद ही है, उसी की शादी में गए हैं। तो मुझे भी जाने का तो मन था, बट ये गर्मी भी थी और बाबू बहुत छोटा है, उसके इसी के लिए मैं नहीं गई। और अभी तक बाबू पता नहीं आए हैं, बोले थे कि 6 या 7 तक मैं आ जाऊंगा, अभी तक तो 7 बजने वाले हैं, नहीं आए हैं। कोई नहीं, चलिए मैं अकेले ही चाय पी लेती हूँ आप लोगों के साथ। और गाय का भी खाना देना था, तो मतलब आप लोग पता है जेठ के लड़के हैं, तो उनको ही मैंने बुलाया सुबह में। गाय को खाना तो पड़ गया है, अब देखिए आगे क्या होता है। बाबू पर कब तक आते हैं, अभी तक तो कोई फोन वोन भी नहीं हुआ है, ना ही मैंने किया है, क्योंकि मैं सुबह से जगी हूँ तो सुबह से काम ही कर रही हूँ। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं इधर घर के किचन में बर्तन कुछ पड़े हुए थे वो मैंने धोए, और यही सब बाबू के लिए मैंने कुछ बनाया, उसके बाबू के रात के बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे तो मैंने वो धोया, बस यही सुबह से ही काम कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं अब बाबू को पक्का आते हैं, तब फिर मैं आपसे मिलूंगी।
मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी अपना सुबह से लेके रात तक का आपके साथ ये रूटीन। तो चलिए आप लोग भी मुझसे जुड़े रहिए, देखिए मैं सुबह से लेके रात तक कौन कौन सा काम करती हूँ, क्यों मैं रोज़ ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, क्यों इतना बिजी रहती हूँ। मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूँगी एक एक पॉइंट एक एक बात आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ, कोशिश रहेगी मेरी। तो चलिए अभी बाबू जगने के बाद मैं पूरा बिजी हो जाती हूँ, क्योंकि वो जगता है तो उसको बहलाने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, फिर उसके मालिश, उसको खिलाना, उसको नहलाना, उसको तैयार करना, इसमें मुझे लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। आप लोग तो पता ही, बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी ये बड़ों के जैसा नहीं है कि हाँ उसको खाना दे दिए वो चुपचाप खा लिया, ऐसा तो कोई नहीं। जिसके पास बच्चे उन लोगों को तो बिल्कुल पता ही होगा कि बच्चे के इतने शरारती होते हैं, वो तो ढंग से खाते भी नहीं, बहुत ज़बरदस्ती करने के बाद उसको खिलाना पड़ता है। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद बाबा पापा कब आते हैं वो तो मुझे नहीं पता, देती हूँ कॉल कर लूँगी और मैं फटाफट चाय पी लेती हूँ और बाबू को मैं जाती हूँ जगाने। देखिए बाबू कब जगता है नहीं जगता है, जगा के देखती हूँ ट्राई करके, जग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बैठ के क्या करूँगी, मोबाइल चला लूँगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद, यानी कि बाबू के पापा और बाबू जग जाएगा तभी मिलूंगी। तो दोस्तों बाबू के पापा आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए बाबू भी साथ में जग गया था, तो फिर मैंने बाबू को गोद में ले लिया और बाबू के पापा आए तो उनके लिए भी मैं चाय बनाने जा रही हूँ। तो ये ब्लॉग 12 जून का है जो मैं आज पोस्ट करूँगी। तो बाबू को मैं हंसने बोल रही हूँ, बाबू हंस नहीं रहा है फिर भी। तो ठीक है दोस्तों, बाबू को मैं अब नहा के सारा काम करके मिलती हूँ, के लिए बाय बाय। तो यहाँ पे देखिए बाबू को मैंने नहला दिया है, खिला दिया है और उसको अच्छी तरह से रेडी करके मैंने उसको छोड़ दिया है खेलने के लिए। और इसने पापा का मोबाइल देखा और बस लग गया मोबाइल को कैसे चलाना है क्या करना है, बस उसी के कारस्तानी में लग गया है। सो मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाई जब ये मतलब जगा था ना उस टाइम, उसके बाद ना बहुत ज़्यादा रोने लगा था, फिर मैंने मोबाइल अपना रख के बस इसी के किसी को चुप कराने लगे, इसको नहलाने लगे, खिलाने लगे। मैं प्रॉपर सॉरी दोस्तों, मैं प्रॉपर वीडियो शूट नहीं कर पाई और क्योंकि बाबू के पापा भी आ चुके थे तो बहुत सारा काम हो गया था, तो इसलिए अच्छी कार ये बाबू को तो फिर मैंने इसको नहला दिया और फिर मैं अपने सोची मैं अपना काम कर लूँ। तो फिर मैंने यहाँ बाबू को नहला के बाबू खेलने लगा, फिर मैंने अपना बेड वुड अपने रूम का ठीक ठाक कर लिया ताकि मैं नहाने के बाद थोड़ा सा सभी जगह क्लीन रहते तो देखने ज़्यादा अच्छा लगता। तो फिर ठीक है दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। तो मैं दोस्तों आ गई हूँ नहा के, देख सकते हैं आप। और मैं जब मैं कुछ खा लूँ तो मैं सोच रही हूँ कुछ खा लूँ, उसके बाद फिर मैं लंच की तैयारी करूँगी। और दोस्तों मैं दिखाती हूँ कि अभी घर में ताज़ा आम आया हुआ है, तो अभी तुरंत किसी ने दिया है, तो मैं जा रही हूँ एक आम खा लेती हूँ क्योंकि आम बहुत अच्छा मीठे है, मीठे मीठे आम है। तो मैं खा के मिलती हूँ आपसे शाम को। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी शाम के बज रहे हैं 4 और आप देख सकते हैं कि मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मैं कहीं जा रही हूँ कुछ काम से, तो वो मैं आपको अब ब्लॉग देखते रहिए आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और मैं ना बिल्कुल भी मतलब प्रॉपर सूट नहीं कर पा रही हूँ, सो थोड़ा सा घर में अकेले होने के कारण बाबू भी थोड़ा सा परेशान कर रहा है, इसलिए ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं आ रहे, ना ही मैं प्रॉपर सूट कर पा रही हूँ। तो बस यहाँ पे रेडी हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ मार्केट कुछ लेने के लिए, मतलब खुद का ही कुछ लेना है। तो चलिए, और यहाँ पे बारिश भी लगी हुई है, अब देखती हूँ रेडी तो हो गई हूँ, अब जा पाती हूँ या नहीं, तो आप भी देखिए। और सो बाबू भी यहाँ पे देखिए रेडी हो चुका है, बाबू भी जाने के लिए, बाबू को मैंने रेडी कर दिया था। तो ये देखिए मैंने बाल बाल बना दिया था, तो फिर देखिए उसने बाल का क्या हाल कर लिया है। और देखती हूँ, चलिए मिलती हूँ आप, मार्केट दिखाती हूँ आपको यहाँ का। तो दोस्तों मैं यहाँ पे देखिए रेडी हो चुकी थी और ऐसे ही घर से निकली, वैसे यहाँ बारिश शुरू हो गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ बारिश हो रही है, शायद आपको कैमरे से पता नहीं चल रहा था, बारिश हो रही है बट हल्की हल्की हो रही है, कभी बारिश देखिए मैंने यहाँ से दिखाया इसलिए ताकि आपको पता चले सच में बारिश हो रही है। अब पता नहीं कि मैं जा पाऊंगी या नहीं मार्केट,
सो इंतजार कर रही हूँ कब तक ये छूट जाए। सारा मूड ऑफ हो गया मेरा मार्केट जाने का, और कुछ जरूरी ही लेना था मार्केट से, इसलिए मैं जा रही हूँ। और तो दोस्तों बारिश छूट चुकी है, सो मैं जा रही हूँ मार्केट और देखती हूँ, कोशिश करूँगी कुछ दिखाने का मार्केट में। तो दोस्तों मैं गई थी मार्केट पे, ये तो मैंने आपको बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि मैं आपको मार्केट का कुछ कुछ हिस्सा दिखाऊंगी, देवघर का यहाँ का कैसा मार्केट है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं जब मार्केट गई तो बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पहुँचने में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, और बाबू भी ज़्यादा परेशान करने लगा मार्केट में, क्योंकि बहुत भीड़ भी थी, ऊपर से बारिश भी हो रही थी। तो मैंने मोबाइल नहीं निकाला अपना, सो बिल्कुल भी कुछ भी सूट नहीं कर पाई मार्केट से। और मैं गई थी बहुत दिनों के बाद, मैंने उससे बहुत सारा सामान खरीदूंगी अपने लिए, बट बहुत दिनों के बाद गई, वो भी सस्ती सी मार्केटिंग करके मैं आई हूँ। और बहुत सी बेसिक चीज़ें मैंने ली है, मैं दिखा देती हूँ मैंने पहले क्या क्या लिया है। तो सावन है, तो सावन के लिए हरा चूड़ी मैंने ग्रीन कलर का लिया है अपने लिए, और मैं किसी को देने के लिए दो लोगों के लिए मैंने ये बैंगल्स लिया है, जो मुझे बहुत ही प्यारा लगा और बहुत ही अच्छा है। संदीप का है तो बहुत ही अच्छा ये सब बैंगल्स आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने किसी को देने के लिए लिया है। और मैं कहीं जा रही हूँ, तो ये तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और गई थी मैं मार्केट, गई थी सूट लाने के लिए अपना, और सूट तो नहीं मिला, तो फिर मैंने थोड़ा सा क्या मैंने घर में पहनने के लिए ही अपना कपड़ा ले लिया है। और मैंने ये दो तीन बैंगल्स ग्रीन कलर का लिया, और एक बैंगल्स मैंने लिया है ये रेड तो नहीं कह सकते हैं, बट मुझे बहुत ही प्यारा कलर लगा इसका, इसलिए मैंने घर में पहनने के लिए इसको ले लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो फिर मैंने ये लिया, और फिर मैंने सभी को पैक कर दिया, क्योंकि मुझे किसी को देना था, मैं कहीं जा रही हूँ एक दो दिन के बाद। और मैं ये मैंने जो कपड़े लिए थे, तो घर में नाइटी पहनने के लिए मैंने लिया है, और ये हल्का सा ग्रीन कलर है सावन के लिए स्पेशली मैंने लिया ये कलर, तो मुझे बहुत प्यारा लगा। और उसके बाद इसके लेने के बाद फिर मैंने एक पिंक कलर का और लिया है, ये भी आप देख लीजिए, सो कॉटन का है, बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही मुलायम कपड़ा है, ये पिंक कलर का है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा दोनों, इसलिए मैंने दोनों ही ले लिया था। और मैं सूट देखने गए तो वो बिल्कुल भी अच्छा लगा, फिर मैं बीच में जाऊंगी दिखूंगी और अच्छा सा सूट मिला तो वो भी एक एक मतलब ले लूंगी। तो कैसा लगा आपको ये सब चीज़, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आई होप आज का ये छोटा सा मार्केटिंग ब्लॉग, क्योंकि मैंने दो दिन का मैंने ब्लॉग इसमें जोड़ा है, एक 12 तारीख का ब्लॉग है, उसके बाद शायद लगभग 22 तारीख का ये मतलब ये मार्केटिंग वाला है। तो मैंने दो दिन का ना ब्लॉग इसमें जोड़ के मैंने ये बनाया है। तो आई होप आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और मैं कहाँ जा रही हूँ, मैंने किसके लिए बैंगल्स लिया है, ये तो आपको इसके बाद जो ब्लॉग आएगा उसमें आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि मैंने किसके लिए क्या लिया। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।